पाकिस्तान की सरपरस्ती में पल रहे आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए भारत ने बड़ा कदम उठाया है। दरअसल बुधवार को केंद्र सरकार ने यूएपीए बिल के तहत मौलाना मसूद अजहर, हाफिज सईद समेत चार बड़े आतंकियों को वांटेड आतंकी घोषित किया है और अब भारत के इस फैसले को अमेरिका का भी समर्थन हासिल हो रहा है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के साउथ सेंट्रल एशियन विभाग की ओर से ट्वीट किया गया कि भारत के नए कानून के तहत जिन चार आतंकियों को वांटेड आतंकी घोषित किया है, हम भारत के इस फैसले का समर्थन करते हैं। नया कानून भारत और अमेरिका के द्वारा आतंक के खिलाफ चलाए जा रहे मिशन को बल देगा। दरअसल यूएपीए कानून के तहत केंद्र सरकार के पास किसी शख्स को आतंकवादी घोषित करने का अधिकार है। इस विधेयक के तहत केंद्र सरकार उन लोगों को आतंकवादी चिन्हित कर सकती है जो आतंकवादी गतिविधियों में शामिल हैं या फिर किसी तरह से आतंक को बढ़ावा देते हैं। इसी विधेयक के तहत भारत ने बुधवार को जैश ए मोहम्मद के सरगना मौलाना मसूद अजहर, लश्कर ए तैयबा के प्रमुख हाफिज सईद, जकीउर रहमान लखवी और अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम को आतंकी घोषित किया है। इसके साथ ही चारों के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी कर दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 TV।